सो दोस्तों ये रहा शिव मंदिर, बाकी ठंड तो भाई थोड़ा बहुत है। अभी बागडोगर में जाकर फ्यूल अप करेंगे अभी सामने, उसके बाद सीधा जाएंगे पानीडंगी बॉर्डर, वहाँ से भानसर काट के सीधा निकल पड़ेंगे हम लोग कुड़ी की ओर। देखिए यहाँ पे जो है साइक्लिस्ट लोग जा रहे हैं। सो दोस्तों तेल वेल भरना हो चुका है, लगभग 1500 रुपए का अभी तक तेल भरा मैं। सो दोस्तों अभी मैं हूँ पानी टंकी, यहाँ पे देखिए जो सुबह सुबह जो है बाजार पूरा खुल गया है, यहाँ से बॉर्डर बस 1 किलोमीटर दूर है। दोस्तों अभी जो है बॉर्डर में लगभग सब कुछ चेक किया गया, तेल बैग, टैंक बैग, सब कुछ एवरीथिंग। और ड्रोन के बारे में पूछ रहे थे कि मेरे पास ड्रोन है कि नहीं। ये रहा नेपाल साइड, थोड़ा कल्टी मारते हैं। ये मेरा लुगा कपड़ा अपनो लगा कालिंचुक। तो दोस्तों चेकिंग बहुत ही टाइट था, जैसे आप लोगों ने देखा इंडियन साइड में जैसे टाइट था, वैसे उन लोगों का साइड में भी पूरा टाइट था नेपाल साइड में। और जो भानसर है, भानसर में मुझे फॉर्म लेने के लिए लगा टोटल 30 रुपीज़ फॉर्म का, और मेन भानसर उसके लिए लगा 910 रुपये जो कस्टम ड्यूटी है, तो टोटल लगा 940 रुपये 7 दिन के लिए। बाकी आप लोग हिसाब लगा लीजिए पर डे का कितना क्या आता है, देखते हो कैसे क्या रेट देता है लोग 8000 रुपये में। दीदी 8000 का कति भन्छ आइसी? सो दोस्तों 9:30 बज गया, ऐसा करते करते सब कुछ। सो दोस्तों जो मनी एक्सचेंज किया उसमें मिला 1.57 का रेट, पहले मिलता था 1.6 का रेट, अभी थोड़ा घट गया है। यू हैव टू डू लिटिल बिट ऑफ बार्गेनिंग नेगोशिएशन। मुझे 8000 रुपये इंडियन का मिला यहाँ पे 12,560, बाकी कितना क्या होता है लेट्स सी। तेल मेरे पास है टोटल फुल टैंक और 2 जार में 4-4 8 लीटर। दोस्तों इन सबको जो है एक बार फिर से चेक कर रहा हूँ ठीक ठाक है कि नहीं, लास्ट टाइम ये लूज़ हो गया था और चेन में घुस गया था, सो इस बार ये सब गलती नहीं करना है। दोस्तों ये जो आप लोगों को सामने गाड़ी दिख रहा है, इसका नाम है नेपाल में बोलते हैं इसको समथिंग माइक्रो ऐसा कुछ बोलते हैं। ये जो गाड़ी है ये यहाँ से मेनली मतलब काकरबिट्टा से लेके जाता है काठमांडू तक। देखिए आगे लिखा है काठमांडू सिंधुली काकरबिट्टा, मतलब सिंधुली का जो रोड है उसी रोड से ये काकरबिट्टा जाता है। और आज मैं जिस रोड से कुड़ी कालिंचुक जा रहा हूँ वही रोड से होगा ये, एक्चुअली बर्दीवास जो है बर्दीवास पार करके राइट साइड में ये वाला रोड जाता है। दोस्तों देखिए धीरे धीरे जो है पहाड़ शुरू हो रहा है, थोड़ी देर पहले वहाँ पे एक बोर्ड दिखा था मुझे जहाँ पे लिखा था कि सामने एलिफेंट क्रॉसिंग का कुछ है। और ये वाला ब्रिज का नाम है कानकिर ब्रिज। नेपाल में जितना भी छोटा वाला ब्रिज रहता है ना उसका सामने एक बोर्ड रहता है, मतलब आपको एक प्रॉपर नाम मिल जाएगा उस ब्रिज का। सो दोस्तों आ चुके हैं अभी इटारी पे, भाई साहब बहुत जैम है बहुत जैम। और ये गाड़ी तो क्या बोलू, ये देखिए कहाँ घुस रहा है। अभी इटारी पार करके जो है थोड़ा ही देर आगे मिलेगा कोशी ब्रिज, वहाँ पे जाकर थोड़ा रुकेंगे और अगर कॉफ़ी वॉफ़ी कुछ मिला तो वो भी पीना है। टोटो टुक टुक टम टम जो भी बोलिए, ये इंडिया में भी जैसा चलता है मस्त मगन एकदम, यहाँ पे भी सेम है। जरूर एक्सपल्स और चलो सो तब का घर को था ये ठीक छ धन्यवाद। दोस्तों यहाँ से करीबन कोशी ब्रिज और 15 से 20 किलोमीटर दूर है, और सो
दोस्तों फाइनली घर से करीबन 152 किलोमीटर चलाने के बाद आ गया हूँ अभी कोशी बैरेज पे। देखिए ऐसा कुछ अभी है, कोशी नदी का नज़ारा। ये रहा बाइक। तो दोस्तों कुछ ऐसा था सुबह से लेकर अभी तक का सफ़र। इटारी वाला जो रोड था मुझे और सुबह सुबह क्रॉस करना चाहिए था, लेकिन थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, अभी आगे जाएंगे, बर्दीवास वाला रोड होके सीधा ऊपर की तरफ जाएंगे जो कि रहेगा पूरी विलेज। देखते हैं आज कितना तक जावत है। जय माँ काली, जय श्री राम। यहाँ पे जो है रोड थोड़ा मुझे खराब मिल रहा है, टूटा फूटा रोड में आ गया। अरे भाई। तो दोस्तों खाना पीना हो चुका है यहाँ से, इस होटल से किया रितिका होटल। नाउ अगेन ऑन द रोड। जय माँ काली। तो दोस्तों लहान से निकल चुका हूँ और गोप्रो को भी जो है यहाँ पे डायरेक्ट चार्ज में लगा दिया। अभी यहाँ से सीधा जाऊँगा बर्दीवास की ओर, यहाँ से और 50 किलोमीटर दूर है। बर्दीवास में जाके जो है मुझे राइट साइड वाला रोड लेना होगा जो सीधा सीधा मुझे लेके जाएगा कुरी विलेज तक। आज पहुँचूंगा कि नहीं मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि आज जो है करीबन 10 बज गया था मेरा काकरभिट्टा पे ही। तो देखते हैं जहाँ तक पहुँचते वहाँ तक रहेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग कोई भी नेपाल का सिम यूज़ करते हैं या का लोकल सिम, और अगर आपके पास वो सिम एनसेल है, बोलूँगा आप लोग जो है 145 का रिचार्ज करें। इसमें आप लोगों को करीबन 7 GB इंटरनेट मिलेगा 7 दिन के लिए, जो मोर देन एनफ है। भाई साहब कुछ नहीं दिखा, क्या था ये? तो दोस्तों 1000 रुपये का पेट्रोल फिल किया अभी, करीबन 6 लीटर जैसा आया। 6 लीटर पूरा पूरी नहीं आया, थोड़ा कम आया 6 लीटर से। तो दोस्तों अभी आगे है मिथिला पे, यहाँ से जो है ये वाला अगर लेफ्ट साइड में जाते हैं तो आप पहुँच जाएंगे सीधा जनकपुर, और राइट साइड में जाएंगे तो टुवर्ड्स हेटोड़ा। दोस्तों यहाँ से हेटोड़ा करीबन 125 किलोमीटर दूर है। ये जगह का नाम है बर्दीवास। ये वाला है रोड, यहाँ से जाएंगे सीधा कुरी विलेज के लिए। भाई साहब यहाँ पे जैसा रोड चल रहा है जिगजैग जैसा, ओ भाई आज तो नहीं पहुंचने वाले। मेरा ऑलरेडी बाइक में पिकअप बहुत ही भाई कम है अभी, भाई पहले का जैसा नहीं है अभी बाइक। फर्स्ट प्रॉब्लम है कि सामने का चक्का अभी ना का बराबर है, मतलब सोचो 20-30% होगा, और बाकी ये बाइक का थोड़ा पिकअप का इशू है। अभी तक तो रोड मक्खन जैसा है, अभी जो लास्ट में है यहाँ पे सीधा जाके चोरीकोट नाम का एक जगह आएगा, वो चोरीकोट से जो है कुरी विलेज का जो रोड है वो अलग होता है। तो वो जो 12 किलोमीटर वाला हिस्सा है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डेंजरस ऑफ रोड है, मैंने सुना था। दोस्तों यहाँ से जो है कुरी विलेज का डिस्टेंस है वो है 150 किलोमीटर, और बर्दीवास से बस 10 किलोमीटर अंदर में आया हूँ अभी। दोस्तों गूगल मैप्स पे दिखा रहा है यहाँ से और 5-6 घंटा लगेगा, मतलब रात के 9-9:30 बजे। चलिए जाते हैं, रोड तो बढ़िया है लेकिन चोरीकोट के बाद थोड़ा ऑफ रोड ज़्यादा हो जाएगा 12 किलोमीटर तक, देखते वो क्या होता है। सो भाई साहब रोड अपडेट देख लो, रोड कुछ ऐसा है भाई, लेकिन धीरे धीरे जो है पहाड़ की तरफ जा रहे हैं। पहाड़ की तरफ क्या बोलो, हिमालय की तरफ जा रहे हैं भाई, हिमालय देखने मिलेगा। और मैं आशा करता हूँ कि मुझे जो है स्नोफॉल भी दिख जाए, लेकिन मैं आशा करता हूँ स्नोफॉल मुझे कब दिखे पता है? जब मैं एक बार कुरी विलेज में जो है होटल में घुस जाऊँ अंदर, तब जाके मुझे स्नोफॉल दिखे। अभी रास्ते में हो गया तो मैं बाइक लेके कुरी नहीं पहुँच पाऊँगा भाई। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है
कमला माई नगर पालिका नेपाल में। भाई एक एक जो म्यूनिसिपलिटी एरिया जो भी बोलिए, मतलब जो क्षेत्र होता है, एक एक क्षेत्र में घुसने से पहले है ना, यहाँ पे ऐसा एक एक मतलब द्वार बना होता है। बहुत ही वेलकमिंग लगता है मुझे, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे भाई सच में। कालीन चौक जाके आते हैं, ये भी नेपाल का एक वन ऑफ द फाइनेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसको जो है नेपाल का स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है, पूरी विलेज। और 150 किलोमीटर भाई जाना है। अभी मैं यहाँ पे ज़्यादा स्टाइल नहीं मार सकता क्योंकि मेरा सामने का चक्का मुझे रोड में सुला देगा। और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, मैं जो है एक सर्किट करने वाला हूँ। ये वाला ट्रिप सर्किट सब कुछ प्लानिंग अभी कुछ नहीं बताऊँगा। अभी इस वीडियो पे जो आप थंबनेल देख के आए हैं कि कालीन चौक दिखाऊँगा, कालीन चौक ही दिखाऊँगा आप लोगों को। और उसका बाद वाला जो वीडियोज़ वगैरह आएगा उसमें आप लोगों को मेरा सर्किट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव। अभी भी कुरी विलेज का जो के है उसका ए तक भी नहीं पहुंचा, लेकिन मुझे जो व्यू वगैरह है, पहाड़ वगैरह शुरू हो गया, मतलब ये सब मुझे पागल कर रहा है, मुझे बेचैन कर रहा है भाई। भाई साहब देखो देखो पुल, देखो पुल, वाव, ऐसे पूरा ढलानों के ऐसा करके रोड जा रहा है। वेरी ब्यूटीफुल भाई, सच में बहुत सुंदर जगह। दोस्तों ये जो रोड है ना, मुझे अभी यहाँ पे थोड़ा अनिनी का याद आ रहा है, लेकिन अनिनी जैसा डेंजरस भाई नहीं है वो। अभी तक मैंने जितना ज़िंदगी में ट्रेवल किया सबसे डेंजरस रोड मुझे अनिनी का लगा। यहाँ से सिंधुली दिखा रहा है और 2 किलोमीटर ये वाला नारायणगढ़ हेटोड़ा जाता है, और मैं जिस रोड से जा रहा हूँ ये वाला रोड जाता है भाई काठमांडू। देखो यार यहाँ पे गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। चोरीकोट का बाटो कौन से हो? ए सो दोस्तों रोड थोड़ा यहाँ हो गया था, फिर आई एम बैक ऑन द ट्रैक। सामने देखो। सो दोस्तों अभी एंटर कर रहे हैं मंथली नगर पालिका में, और मेरा साइड में बह के जा रहा है एक बहुत ही खूबसूरत नदी जिसका नाम है सुनकुशी रिवर। इसमें तो भाई पानी है, मतलब अभी तो ठंड का मौसम के हिसाब से बहुत अच्छा पानी है। तो इसमें भाई साहब यहाँ से देखो, धमाल है धमाल भाई, यहाँ से बहुत सुंदर दिख रहा है। अभी भाई ये अंधेरा रोड में मुझे दिख रहा है 2 घंटा 10 मिनट, अभी थोड़ी देर बाद जो है पूरा ही अंधेरा हो जाएगा। और हवा तो इतना ज़ोर से बह रहा है कि मैं आप लोगों को क्या ही बोलूं। भाई साहब यहाँ का रोड देखो। सो दोस्तों अभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आज चोरीकोट में बैठूंगा, क्योंकि कालीन चौक पे मैंने फ़ोन किया कुछ होटल में, मतलब जो कुरी विलेज वहाँ पे, तो उन लोगों ने बोला कि अभी मैं नहीं आ सकता क्योंकि रोड में जो है पूरा स्नो है, तो रात को इम्पॉसिबल आना। मंथली नाम का कोई एक जगह वहाँ पे हूँ। ये देखो मार्केट दोनों तरफ में। सो दोस्तों फाइनली आगे है चोरीकोट पे, चोरीकोट का थोड़ा सा आगे है, ये रहा मेरा होटल। सो दोस्तों फाइनली जो है होटल पे आ चुका हूँ। ये देवीतरा नाम का एक जगह है, चोरीकोट तक नहीं गया क्योंकि चोरीकोट तक अगर पहुँचता तो रात का करीबन 8:30-9 बज जाता, और तब तक जो है एकदम ही भाई सब कुछ बंद हो जाता है यहाँ पे, बहुत जल्दी जल्दी जो है सब कुछ बंद हो जाता है। दैट इज़ वाई यहाँ पे रूम ले लिया, स्पेशियस रूम ही देखिए आराम से जो है यहाँ पे कितना लोग रह सकते हैं दोनों। और हाँ
कल अच्छी तरीके से दिखाऊंगा कहाँ पे क्या है। कल यहाँ से जाऊंगा सीधा पुरी विलेज, देन वी विल एक्सप्लोर कालीन चौक। और एक गुड न्यूज है, यहाँ का जो होटल का ओनर है वो भी मुझे कंफर्म किया कि हाँ कालीन चौक में जो है स्नोफॉल हो रहा है। सो मजा होगा, कल आपुर में एक साथ जाके विजिट करेंगे कालीन चौक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू द पार्ट टू ऑफ माय कुरी राइड। अभी मैं हूँ देवीताल पे। जैसे कि कल आप लोगों ने देखा कि मैं कल रात को यहाँ पे पहुँचा था, होटल था मेरे ये वाला पीछे वाला। और यहाँ से अभी सीधा जाएंगे इस साइड में जाएंगे सीधा कुरी की तरफ। कुरी पहुँचने में करीबन और डेढ़ दो घंटा ऐसा लगेगा। बाकी रात को तो नींद बहुत ही ठीक ठाक था, यहाँ पे इतना ज़्यादा भी ठंडा नहीं है लेकिन कुरी में शायद ज़्यादा होगा। देखिए एक बार बाइक का जो कंडीशन है वो कुछ ऐसा है। कल जो है आते आते पूरा एकदम रोड ख़राब था, जो मदेज वाला साइड था साइड में पूरा एकदम बाइक का कंडीशन ख़राब था। और भाई होटल तो कुछ ऐसा था। देखिए अभी ऐसे सीधा जाना है, जैसे कि ये गाड़ी जा रहा है एकदम इसी साइड में जाएंगे। सो चलिए देवीटर को बाय बाय करते हैं और आगे जाते हैं चोरीकोट की तरफ। चोरीकोट से फिर सीधा निकलेंगे कुरी की तरफ। चलिए जर्नी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों होटल से अभी निकल चुके हैं, सीधा जाएंगे कुरी विलेज की ओर। कोई भाग दौड़ नहीं है, आराम से करेंगे सब कुछ। अभी टाइम बज रहा है करीबन 9:30। इस एरिया का नाम है देवीटार। और देवीटार में देखिए यहाँ पे कितना बड़ा एक 400 केवी का जो है एक स्टेशन है, इलेक्ट्रिक स्टेशन कुछ ऐसा है। सो दोस्तों अभी जो है मैं थोड़ा थोड़ा करके ऑल्टीट्यूड गेन कर रहा हूँ। अभी जितना ऊपर तक जाऊँगा ये सब जो पहाड़ आप लोग देख रहे हैं ये सब पार करके जो है उस पार जाएंगे। सो धीरे धीरे जो है वेदर बहुत ही ठंडा होता जाएगा एंड जो ऑक्सीजन का लेवल है वो भी कम होता जाएगा। ये बस ड्राइवर शायद मेरे तरह है। करते रहो यहाँ पे भाई, छोटा छोटा घर बना हुआ है। सो फ्रेंड्स देखिए चलते चलते कुछ ऐसा जगह पे आ गए हैं। यहाँ से और दिखा रहा है 44 किलोमीटर। सन इज शाइनिंग, वेदर इज क्लियर, एकदम झकास। वो जो नीचे गांव है वो है देवीटार, वहाँ से हम लोग आए। यहाँ से और 50 किलोमीटर है, उसके बाद जाके पहुँचेंगे कुरी विलेज, मतलब 11 बजे को पहुँचेंगे। तब तक जो है धूप भी उठ गया। देखिए भाई ऐसा है, क्या बढ़िया है। ये जो नदी है इस नदी का नाम है तामाकोशी रिवर, इफ आई एम नॉट स्पेलिंग इट रॉन्ग। सो दोस्तों वो रहा 5-6 किलोमीटर दूर चोरीकोट, पूरा दिख रहा है एकदम एक घर ही घर। ये तो मुझे थोड़ा अभी जो जगह में गया नहीं थोड़ा उस जगह का नाम लेता हूँ, हिमाचल प्रदेश लग रहा है हिमाचल प्रदेश जैसा देख के। और बाकी भाई ठंडा बहुत है भाई, हाथ पैर बहुत पूरा सुन हो रहा है भाई हाथ पैर। सो दोस्तों ये रहा चोरीकोट। यहाँ से जाता है 2 लाखा राइट साइड में। ये बट आ गया अजय, कितने किलोमीटर? धन्यवाद दाई। ये कालीन चौक जाने बाटो कहाँ पड़ो? अलग पड़ो। ये कालीन चौक जाने बाटो ठीक है ठीक है। सो दोस्तों गूगल मैप्स में जो दिखाता है वो गलत है। यहाँ से सीधा आया, आने के बाद ये वाला पॉइंट से जाता है कालीन चौक राइट साइड में और सीधा जाता है काठमांडू। चलिए
भाई यहाँ बड़ा कुरी बुक देखो कति टाइम लाग्छ कुरी लाई हजुर त म छ भगलाई पढ्न होला छ पढ्न घण्टा कति 10 12 किलोमिटर होला बढी छ अ 15 किलोमिटर छ हिउ छ बाटोमा हजुर बाटोमा हिउ छ हिउ हिउ त छ यहाँ तपाईको मर्साको त लान्छ त अब गाडी छ भने त आउँदैन अब मर्सा चाहिँ जान्छ जान्छ त अलिअलि छ नि भइहाल्छ नि अलिअलि त अ यति यति धेरै हिउ छैन छैन ए ठीक छ ठीक छ ठीक छ हजुर हजुर दोस्त अभी जो है मैं ग्लव्स को चेंज कर रहा हूँ मेरा उंगली उंगली सब हो जाएगा विंटर ग्लव्स लगाना पड़ेगा वो भी कितना काम करेगा नो आइडिया ये रहा विंटर ग्लव्स इसको एक्चुअली मेरे पता नहीं हाथ में बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है भाई लास्ट टाइम जब संदकपुर गया था ऐसे हाथ जम के कुल्फी हो गया था तो दोस्तों अभी जो है कुरी का रोड पे चला रहा था लेकिन बाइक रुका दिया क्योंकि हाथ जम के भाई सुन हाथ में कोई फीलिंग ही नहीं था अभी जो है फिर से जो मेरा विंटर ग्लव्स से उसको लगा लिया और अंदर में तो पुराना डिकेथलन वाला जो ग्लव्स है वो तो था ही देखिए ऐसा कुछ है यहाँ से लगेगा और करीबन 40 से 50 मिनट कुरी पहुँचने में रोड में तो स्नो रहेगा और गोप्रो का तो भाई बैटरी डेडी डेड मतलब दो दो मिनट में बैटरी जा रहा है पता नहीं क्यों चले जाते जर्नी को कंटिन्यू करते देखिए ऐसा कुछ व्यू है सो दोस्तों फाइनली देखिए बहुत अंदर तक आ चुका हूँ लगभग 7-8 किलोमीटर अंदर हूँ मैं चोरीकोट का जो मेन रोड था वहाँ से और मौसम जो है भाई रुख बदलते हुए मुझे तो लग रहा है कि आगे की तरफ स्नोफॉल हो रहा है दोस्तों यहाँ से और 7 किलोमीटर है और जितना मैं ऊपर जा रहा हूँ भाई उतना ही ज़्यादा कोहरा मुझे दिख रहा है दोस्तों देखिए यहाँ पे आके खड़ा हूँ पीछे था मेरा गोरी गांव नाम का कोई एक जगह और जो हाथ है ना भाई हाथ मतलब एक ग्लव्स का अंदर और एक ग्लव्स है फिर भी भाई ठंडा नहीं मान रहा हाथ इतना ज़्यादा ठंडा हो गया और यहाँ पे जो है क्यों स्नोफॉल होता है वो समझ गया फ्रीजिंग टेम्परेचर भाई चार पास में देखो आसपास पूरा कोहरा ही कोहरा चारों तरफ देखो एक सेकंड में सब कुछ धुंध हो गया ऐसा पूरा सामने धुंध है और मेरा हाथ का तो छोड़ो मैं अभी हाथ को जो है थोड़ा बहुत गर्म करने के लिए यहाँ पे उतरा था थोड़ा बहुत जो है ऐसे रख के ऐसे करके थोड़ा गर्म करना है चले जाते यहाँ से और 5 किलोमीटर है आधा घंटा लगेगा चलिए भाई सो चलिए जर्नी को शुरू करते हैं यहाँ से फिर 5 किलोमीटर दोस्तों देखिए यहाँ पे थोड़ा रुका ये जो आप लोगों को रोड दिख रहा है ना संदकपुर का याद आ रहा है मुझे ऐसा रोड है भाई बहुत ही पत्थर के ऊपर पत्थर डाल रोड बनाया गया है और यहाँ पे मैं एक नंबर गियर में जो बाइक को कंटिन्यू भगा रहा हूँ इसलिए जो थोड़ा थोड़ा रुक रुक के जा रहा हूँ क्योंकि भाई इस रोड में अगर क्लच प्लेट के साथ कोई इश्यू होता है तब तो लग गए वाला सीन हो जाएगा इसलिए आई डोंट वांट दैट रुक रुक के जाएंगे हाथ को गर्म करते करते जाएंगे चलिए ऊपर जाके चाय कॉफी वगैरह पीना पड़ेगा पूजा देने के बाद देखो भाई अभी तो भाई पूरा संदकपुर टोटल मुझे याद आ रहा है संदकपुर का ऐसा ही था ओ भाई साहब एक नंबर गियर में डाल के जाना पड़ रहा है क्या ब्यूटी है भाई जगह का मैं बस थोड़ी देर बाद बाद जो है मेरा हाथ और पैर का उंगलियों का हिला के देख रहा हूँ ठीक है कि नहीं कि फ्रीज हो गया फिर तक बाद में काट के फेंक देना पड़े गाड़ी वगैरह आ रहा है ये सब जो गाड़ी है ना ये सब गाड़ी भाई काठमांडू से आता है मतलब मोस्ट ऑफ द जितने भी गाड़ी है बाकी लोकल भी है काठमांडू से जो दोस्तों यहाँ पे पैकेज होता है मतलब 4,500 रुपये 4,000 रुपये नेपाली करेंसी में पैकेज बनता है यहाँ का सो काठमांडू से ये इसका डिस्टेंस है करीबन 170 किलोमीटर ऐसा कुछ होगा तो 170 किलोमीटर वो लोग 4,500 रुपये में जो टूरिस्ट को घुमाते हैं भाई साहब अभी आगे रास्ता देखो कुछ दिख रहा है ओ भाई पूरा पूरा कोहरा हो गया यहाँ से और 10 मिनट लगेगा गूगल मैप्स का हिसाब से लेकिन गूगल मैप ये सब जगह में ठीक ठाक नहीं बोलता है
लास्ट का 2 किलोमीटर वाला पेज भाई खतरनाक है, और मुझे लग रहा है स्नोफॉल जैसा कुछ हो रहा है, एकदम माइल्ड, एकदम हल्का। ये आगे कुरी, वेलकम टू GCA। चलिए दोस्तों आगे कुरी पे, दोस्तों अभी एंट्री कर रहे हैं। चारों तरफ स्नोफॉल हो रहा है भाई। देखो भाई यहाँ पे, यहाँ पे ना घर बार कुछ नहीं है, सब जो है सब कुछ एकदम एवरीथिंग इज होटल एंड रिजॉर्ट। आसपास में देखो कैसा स्नोफॉल हुआ है, फ्रेश स्नो है। मुझे तो डर भी लग रहा है कि ना फिसल जाओ कहीं पे। ए खोइ उनारो, उनारो खोइ छैन। हाँ बोलाउनु न, हाँ फोन गर्नु, हाँ होइन मेरो साथीले भनेको थियो कि यो कि त्यो म बिर्से यही होला, मलाई मेरो साथीले भनेको थियो, इन्डियाबाट आएको थियो साथी। हजुर हजुर, धेरै दिन अगाडि आएको थियो। तो दोस्तों आज इसी होटल में रहूँगा, बातचीत हो गया, सामान वामान अनपैक करके चलिए। कद रूम बेल का हिउ पर्छ या ए राति पर्छ होला है, राति राति पर्छ होला हिउँ। हेरौँ जहाँबाट अलिक भ्यू अलिक छ। सो दोस्तों फाइनली मैं कुरी विलेज का एक होटल में आ चुका हूँ। मैं जब एक बार यहाँ पे आया तब मुझे यहाँ से जो है वापस जाने का मन ही नहीं किया। एक्चुअली मेरा प्लान था कि आज मैं यहाँ से निकल जाऊँ, निकल के जीरी की तरफ जाऊँ, बट यहाँ का जो एटमोसफेयर है भाई थोड़ा थोड़ा करके स्नो गिर रहा है और बात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ऑक्सीजन भाई बहुत कम है यहाँ पे। रात को मे भी स्नोफॉल होगा, कल सुबह को देखेंगे क्या करेंगे। अभी चलिए अभी जाएंगे सीधा ऊपर कालीन चौक मंदिर पे, वहां पे जाके पूजा देंगे। इसका और एक हाईएस्ट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट का नाम है कुरी विलेज, इसके ऊपर में और एक पॉइंट है जिसका नाम है कालीन चौक, वहां पे जाते हैं। चलिए ये रहा होटल। रोटी खाई सा तो दोस्तों यहाँ से जाते ऊपर, मैं जो है नीचे होटल में था, यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ। ये भी होटल ही होटल है भाई, चारों तरफ देखो। देखो दोस्तों ये रहा केबल कार, बसुम पढ़ें पढ़ें टिकट ना 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 सर। दोस्तों फाइनली आ गया हूँ, देखो केबल कार का अंदर। ये रहा टिकट 600 रुपीस नेपाली, आने जाने का दोनों का मिला के। दूसरे तो और लोग आएगा। सो दोस्तों फाइनली चल पड़ा मेरा केबल कार, पूरा केबल कार में मैं अकेला ही हूँ। देखो भाई साहब यहाँ से, वाह
अरे भाई अभी हम लोग जा रहे हैं एकदम सीधा, मतलब कोहरा ही कोहरा है, एकदम बादलों का अंदर जा रहा है भाई, क्या बोलूं। वाव नीचे देखो, ये रहा बादल। वाव और मैं इसका अंदर पूरा अकेला, कोई नहीं है। ये इसको भी उतार देते हैं। अभी जो है पूरा बादलों का अंदर हो, कुछ नहीं दिख रहा है भाई, बस रिलैक्स कर रहा आराम से बैठ के। अभी भाई मेरा हाथ फ्रीज हो जाएगा। भाई सच में डर लग रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, बस कुछ तार है भाई। ये सब जो तार आप लोगों को दिख रहा है, दिख भी नहीं रहा होगा, ये सब तार का भरोसा है ना, मेरा जिंदगी अटका हुआ है भाई। भाई साहब देखिए शायद अभी पहुंचने वाले हैं, ये ऐसा करके एकदम सीधा ऊपर चढ़ाई है। पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए। ये देखिए ये है चल के आने वाला रास्ता, ये ऐसे लोग जो है चल के भी आते जाते हैं। क्या भाई ये शायद सामान लाने के लिए ऊपर में, देखिए ऐसा कुछ है। दोस्तों वो जो आप लोग ऊपर दिख रहा है, ऊपर जाना होगा ऊपर, चलिए। दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन आज जो है टूरिस्ट इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए रश कम है। केबल कार में तो मैंने दूसरा वीडियो में देखा कि लोग भर भर के आता है, लेकिन मेरा केस में मैं अकेला ही था। देखो नीचे ऐसा कुछ है, प्रसाद ले लिए जो है, पूजा देंगे ऊपर जाके। ये देखो भाई कैसे इस सब चीज़ों को जो है काट के बनाया गया था। मुख्य मंदिर। नमस्कार, मेरा नाम सागर तामाङ, कालिचोक गाउँपालिका एक नम्बर वडा दोलखा जिल्लाको उत्तरी भेगमा पर्छ यो कालिचोक प्रसिद्ध मन्दिर चाहिँ। यो मन्दिरको उचाइ चाहिँ 3842 फिट उचाइ भएको। एक युगमा चाहिँ तपाईँको भेडा चढाउने एउटा भेडा खर्कामा चाहिँ त्यहाँ गोठ थियो, भेडाको गोठ, त्यो गोठमा चाहिँ
भेडा जहिले पनि हराउने हजुर अनि हराउने भएको हुँदा पटक पटक भेडा हराइसकेपछि भेडा खोज्नलाई गोठालो तिन चार पटकै धाउँदा धाउँदा उहाँले भेडाको पत्ता लगाउन नसकेपछि पछि अन्तिममा चाङधुप गरेर आफूले सरसफाई गरेर बल पुकार मागेर भेडा खोज्न आउँदाखेरि पटक पटक भेडा हराउने पटक पटक भेडा हराउने एउटै मात्रै होइन त्यो अघिल्लो सेकेन्ड फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुँदै भेडा हराइसकेपछि भेडा किन यसरी हरायो भनेर उहाँले बल पुकार मागेर धुपबत्ती बालेर उसले भेडाको नाउने घिउ लिएर बाल्दै आउँदाखेरि भेडा चाहिँ यो जलकुण्डभित्र चाहिँ जुन कुण्ड छ कुण्डमा चाहिँ थोरै भेडाले खुर्सिएर त्यहाँ चाहिँ बच्चालाई दुध दिएको जसरी दुध झारिरहेर चाहिँ त्यो कुण्डमा चाहिँ त्यसरी नै भेडा र भेडा गोठालोले पत्ता लगाएको मन्दिर यो मन्दिर कालिम्चोक भगवती माता हजुर अहिले विदेशको टुरिस्टहरू पनि अलिअलि आउनुहुन्छ नआउनु त होइन भारतबाट यस यो वर्षदेखि चाहिँ अलिक बढी मात्रामा भारतको पर्यटकहरू अलिक बढी मात्रामा आउनु भएको छ यहाँ चाहिँ अनि यहाँको चाहिँ पूजा दिनुको क्रम अलिक भनिदिनु कसरी के गर्ने स्टार्टिङ कहाँबाट गर्ने पूजा हाम्रो यस्तो हुन्छ पहिलो पूजा भनेको हामी मन्दिरमा आउँछौँ मन्दिरमा आएपछि हामी अहिलेको सिस्टम नयाँ सिस्टममा हामीले तपाईँहरूले लगाउनु भएको जुत्ताहरू त्यहीँ एक ठाउँ ऱ्याक छ त्यो ऱ्याकमा राख्ने त्यसपछि चाहिँ पूजा सुरु हुन्छ तपाईँको आफ्नो त्यहाँनिर डाली छ डालीमा तपाईँको पूजाको सामान हाल्न सक्नुहुन्छ त्यसमा तपाईँको पहिलो पूजा भनेको हाम्रो गणेशदेखि गर्ने आउने हो गणेश भगवान् श्री गणेशमा पूजा गरिसकेपछि श्री गणेशको पूजा सकेपछि हाम्रो आउँछ मुख्य मन्दिर जलकुण्डमा जलकुण्डमा पूजा गरिसकेपछि हाम्रो सबै धुपबत्ती आरती त्यहाँ जलकुण्ड अगाडि गरेपछि फेरि दाहिने भएर फेरि त्यही गणेशको यतापट्टि बायाँ साइडमा चाहिँ नारियल कालीमाता हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ जुन बलि खाने माता हुनुहुन्छ त्यहाँ उहाँकोमा चाहिँ नरियल बलि हुन्छ हजुर त्यसपछि गणेशकै पछाडिपट्टि एउटा भीमसेन छ त्यहाँ भीमसेनमा चाहिँ बोका बलि हुन्छ हजुर भाले बलि हुन्छ होइन यसको अन्डाहरू जस्तै हाँसको अन्डाहरू चढ्न मिल्छ त्यहाँनिर माछा मासु त्यहीँ राख्न मिल्छ यता मेन मुख्य मन्दिरमा चाहिँ हुँदैन अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ हामी सबैजनाले यहाँको स्थानीयदेखि लिएर तपाईँको धेरै पर्यटक र धेरै भक्तजनहरूलाई हामीले के भनेको छ भने पुरानो प्रथामा नगइकन अहिलेको युगमा चाहिँ सकेसम्म बलि नगरौँ नरियलै लिएर बलि गरौँ भनेर गरेको कतिपयले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ कतिपयले चाहिँ होइन हामी बलि नै गर्छौँ भन्ने खालको हुन्छन् कतिपयले अब छोडेर जानुहुन्छ यहाँनिर त्यस्तो हुन्छ यहाँ चाहिँ अहिलेको यहाँको मन्दिरको विषयमा कुरा गर्दा चाहिँ ठिक छ यहाँभन्दा तल त तपाईँको जुन तपाईँको त्यो भर्याङ्क भन्दा त्यहाँनिर पनि त्यहाँ नि भगवान् हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि पूजा गर्दै आउनुपर्ने अनि कुण्ड चाहिँ उता भित्र छ है कुण्ड चाहिँ यो जुन मुख्य मन्दिर भनेको नि कुण्ड हो सेकेन्ड मुख्य मन्दिर र काली माता उता बलि खाने चाहिँ एउटै हुन् त्यस कारणले मुख्य दुईवटा चाहिँ एकदम तपाईँहरूको विशेष पूजा गर्नुपर्ने चाहिँ दुईवटा ठाउँमा हुन्छ एउटा जलकुण्ड र अर्को यता काली मातामा विशेष पूजा चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुपर्छ त्यहाँनिर चाहिँ आफूले बल पुकार माग्ने आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको सुख शान्तिको लागि आफूले मनले चिताएको कुराहरू माग्नेको लागि चाहिँ काली माता र मुख्य मन्दिर जलकुण्डभित्र चाहिँ तपाईँहरूले भगवती कालिम्चोक भगवती माता जलकुण्ड हो यतापट्टि काली मातामा चाहिँ नरिवर बलि हुन्छ र बलि हुन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यसमा दुईवटा ठाउँमा चाहिँ विशेष पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यो कति एप्रोक्सिमेटली कति वर्ष पुरानो होला अन्दाजमा यो त हामी त अहिले नै हो होइन यो त हाम्रो बाजेले पो उसको बाजेको कुरा गर्नुहुन्थ्यो अरे ऊ बाजेको कुरा पो ऊ बाजे भनेपछि यो त पुस्तौँ भइसकेको मन्दिर हो खास कसले पनि भन्न सक्दैन यो मन्दिर कहिले स्थापना भएको भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म कसैलाई पनि सायद ज्ञान छैन होला र उहाँ यहाँ जल चाहिँ बाह्रै महिना जल भइरहने तपाईँको जल नसुक्ने जल यो जल नै पवित्र जल भएको हुनाले यहाँ चाहिँ यो जल चाहिँ सुन कोसी र तामा कोसीको मुहान हो विशेष गरेर यसको बारेमा भन्ने चाहिँ हामीले यति नै हो अच्छा हुन्छ हुन्छ ठिक छ धन्यवाद धन्यवाद तो दोस्तों फर्स्ट पूजा तो शुरू होता है इस साइड में है एंड देन इसको घूम के वहाँ पे इसका गर्भगृह है वहाँ पे वीडियो खींचना वगैरह मना है इस साइड में
फिर वहाँ से घूम के आके यहाँ पे नारियल का बलि होता है जो मैंने कर दिया, फिर यू आर गुड टू गो, ऐसा होता है यहाँ का पूजा का सिस्टम। यहाँ पे स्लीपर वगैरह रखने का जगह वगैरह है। चलिए कुछ ऐसा है भाई, जाते हैं देखिए। अभी चलिए जाते हैं नीचे, वो रहा नीचे केबल कार, बाकी भाई स्टेप्स देखो। चलिए जय माता कालीन चौक भगवेश्वरी। वहाँ देखिए भाई कुछ ऐसा है। सो रोड कर साइड साइड में जो है ऐसा करके बनाते हैं लोग, एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर ऐसा करके डाल के, इसको एक्चुअली होली माना जाता है। ऐसे मैंने भी तीन डाला। देखिए ऐसा कुछ है। की बंद है था घर मंदिर जस्ते बंद है। ए एक लोकल चीज होगी कत किलो एक किलो को 2000 2000 मेरे घर आज सर टाड़ा छोड़ टाड़ा जार भाई तब ठीक है बस मुझे दार्जिलिंग बड़ा को ए हजुर दार्जिलिंग बस हजुर उताको हो नि इन्डियाको इन्डिया बस तपाईँ एक्लै हजुर के गाडीमा आउनुभयो कि बाइकमा दार्जिलिङ दिन बाइकमै हजुरको बाइक हजुर मेरो बाइक दार्जिलिङ कात्री बस हजुर मेरो छोरा पनि छ सिक्किम गान्डो कान्छ छोरा त्यो चाहिँ अर्को स्टेट हो दार्जिलिङ बङ्गालमा पर्छ हजुर अनि त्यो सिक्किम चाहिँ अर्को स्टेट हो सो दोस्तों थुप्पा खाया चाय पिया अभी जाने का टाइम देखिए ऐसे है फिर रिटर्न। ये जो नीचे है ना कोरा का बात कुछ दिख ही नहीं रहा है, नीचे कुरी विलेज है और मैं अभी कालीन चौक टॉप पॉइंट में हूँ। तल बड़ा सामान हो रहा है इसमें গর্ব কিলো যেটা আছে না আপনি কি আজকে আবার নেমে যাবেন নাকি না আমি ওই নিচে হোটেলে আছি কুড়িতে কুড়িতে আছে হ্যাঁ মায়ের মন্দির গণেশ ঠাকুর আর আপনার একটা কালী মন্দির আছে তো দোস্ত এ রা পার্কিং ইহাকা দেখি एक पब्लिक पार्किंग है।
दोस्तों इतना ठंड है, देखिए ये जो याक है इसको ठंड ही नहीं लगता। एक्चुअली याक बना ही है ठंड के लिए। यहाँ पे लिखा है याक के साथ फोटो खींचने का, अगर किसका मन हो तो वो खींच सकता है। क्या कर रहा है भाई? मैं तो गुस्सा हो गया। भाई आप लोग सोचो, ऐसा बर्फ का बीच में अगर कोई पानी का ड्रम रख दिया तो पानी का क्या हालत होगा। और ये जो पाइप है, ये पाइप से जो जा रहा है बाथरूम में पानी, उस पानी को यूज़ करने वाला इंसान का हाल क्या होगा। देखो अभी सब कुछ क्लियर था, अभी एकदम एक सेकंड में सब कुछ फेड हो गया, कुछ नहीं दिख रहा यहाँ पे। दोस्तों अभी जो है थोड़ा बर्फ में एक्सप्लोर करने के लिए निकला। देखिए यहाँ पे इसका जो है किस तरीके से गिरा है बर्फ, ऐसा होता है। दोस्तों अगर आप लोग कुरी आते हैं तो इसका एंट्री पॉइंट से लेकर ठीक मिडल तक, मतलब कुरी विलेज का ठीक मिडल तक जितने भी होटल है उस सब का बहुत दाम है। बाकी सब भाई सुविधा सेम ही है। जितना अंदर की तरफ आप लोग जाएंगे, मतलब वो केबल कार जहाँ से चढ़ता है उसका टिकट जहाँ पे मिलता है वहाँ तक आप लोग जाएंगे, जितना अंदर तक मतलब भीतर तक, आप लोग को जूम करके दिखाता हूँ। वो हो गया केबल कार, हाँ वो ऑफिस, उसका जो आसपास वाला वो होटल है वो आपको कम दाम में मिल जाएगा, आई मीन टू से हाफ दाम में मिल जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखें। अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो ट्राई करें कि केबल कार का जो लास्ट पॉइंट है उसका आसपास वाला होटल को लेने के लिए। आप बोलो क्या एक ड्रीमी प्लेस है भाई, वाव। एक्चुअली मेरा आज प्लान था यहाँ पे आऊँगा, कालीन चौक मंदिर घूमूंगा, घूम के फिर वापस रिटर्न करूँगा, लेकिन रह गया भाई। रात को भाई ये सब जगह पे मस्त आके बॉनफायर कर सकते हो। हाँ ये सब अगर मैं जब किसी को बोलूंगा ना, कोई विश्वास नहीं करेगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा जगह है। मुझे जो फील हो रहा है, मतलब पता नहीं मैं कितना आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाता हूँ या कितना आप लोगों को समझा पाता हूँ, बस समझ लीजिए भाई मेरा उससे, इतना सुंदर है। दोस्तों अभी जो है फिर से होटल वापस जा रहा हूँ। ऊपर का तो एक्सप्लोर किया क्योंकि हाथ तो बहुत ज़्यादा जम रहा है। अभी जो है एक कैंपर में बैठ के हाथ को थोड़ा गर्म करना पड़ेगा। सो दोस्तों फाइनली आ गया हूँ मैं होटल पे। ये रहा मेरा होटल, दैट इज़ माय ब्यूटीफुल बाइक, और यहाँ पे अभी आग में बैठेंगे। बहुत ठंड है भाई, मस्त आग जल रहा है। माथिबाट ल्याउनु पर्नेछ अरे, चिर्दम नसक्ने छ क्या, कुचिर मात्रै त्यो डल्ले हात चाहिँ सुकेको रहेछ क्या हात, हो त डल्ले चाहिँ लिएर आउनु नि भाँगेर आएर। किचन किचन त निकै ठुलो छ नि, किचन ठुलो छ। यो चाहिँ कहाँको टमाटर हो, यो लोकल एकछिनमा चिसो भइहाल्छ है खानाहरू। यो पानी अब भोलि बिहान बरफ बनिहाल्छ, अहिले बनिहाले खतरा छ। यो चाहिँ चट्नी होला, यो चाहिँ चट्नी होला कि। दोस्तों एक बार बाहर का जो सीन है वो देखो, थोड़ी देर पहले हम लोग वहाँ पे बैठे थे, अभी अनइमेजिनेबल ठंडा है, सोच नहीं सकते कितना ठंडा है। अभी यहाँ पे 2 मिनट रहूँगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा भाई, सुबह को पता नहीं इसको कैसे स्टार्ट करूँगा। भाई साहब इतना ठंडा है, कालीन चौक
ढाका मारने पर कंबल का तो ये पानी मेरा बर्फ बनने वाला है। ये रख दिया प्रसाद, इतना ठंडा महसूस नहीं किया, दिस इज द फर्स्ट टाइम कालीन चौक में। अभी मैं आप लोगों को टेम्परेचर दिखाऊं, रुकिए अभी लाइव दिखा दो, लाइव एक मिनट। ये मेरा दूसरा मोबाइल है, के है कालीन चौक टेम्परेचर सर्च -4, स्नोफॉल हो रहा है बाहर थोड़ा थोड़ा, और रात को कितना जाएगा, रात को जाएगा -12, दिख रहे। रात को बस मुझे टॉयलेट का इस्तेमाल ना करना पड़े, और आज रात बस जिंदा यहाँ से लौट जाओ भाई। अच्छा भी लग रहा है, मुझे पता था ठंडा होगा इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नाटक कर रहा हूँ, मुझे पता था इतना ठंडा होगा और इसीलिए मैं हो गया पे। दिस इज माई डिसीजन टू स्टे। सो दोस्तों फाइनली अभी सोऊंगा भाई, जूता वूता खोल लिया, इस फ्लोर पे मैं पैर नहीं रख पा रहा, इतना ठंडा है। सामान वामान सब रख दिया, कुछ चार्जिंग वगैरह है, और सेटअप दिखा दो आप लोगों को। ये तो उनका गद्दा है, नीचे फर्स्ट ब्लैंकेट, उसके बाद सेकंड ब्लैंकेट, थर्ड फोर्थ, ये दो ब्लैंकेट का ऊपर मैं सोऊंगा, और मेरे ऊपर दो ब्लैंकेट रहेगा। रात को अगर ज़्यादा ठंडा लगा तो मैं ये फर्स्ट ब्लैंकेट के ऊपर चला जाऊँगा, मतलब तीन ब्लैंकेट होंगे उनके ऊपर। ये है मेरा मास्टर स्ट्रोक आज रात के लिए भाई, ऐसा रूम है। अरे भाई बहुत ठंडा है भाई, चले सोते अभी घुसते, लाइट वेट कुछ बंद नहीं करूँगा, जो है वो है। दोस्तों मैं ना सो गया था, सडनली देखा बारिश जैसा साउंड हो रहा था भाई साहब। जिंदगी में मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया, मैंने नहीं देखा कि जो है आंखों के सामने ऐसा स्नोफॉल हो रहा है, और मैं जिस रूम पे हूँ उस रूम का खिड़की जब मैं खोल रहा हूँ उसका बाहर में मुझे ऐसा फ्रेश स्नो दिखने को मिलेगा। रात का क्या बोलू 8 बजे, थोड़ा देखिए मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ अभी जन्नत। देखो खिड़की खोला, फ्रेश स्नो भाई, फ्रेश स्नो भाई, फ्रेश, अब भी गिरा अब भी, ये देखो अभी गिरा भाई। मेरा कालीन चौक होने का जो सपना था वही पूरा हो गया, हर एक घर का ऊपर ऊपर जो है स्नो है। मैं बस सोच रहा हूँ कल सुबह को क्या मस्त यहाँ से व्यू दिखेगा। देखो भाई मैं बस आपके लिए एक बार स्नो को जो है हाथ में लेके दिखाता हूँ, कितना फ्रेश है भाई, इतना फ्रेश है। वहाँ का जो स्टेयर्स है वो स्टेयर्स देखो पूरा भरा हुआ है स्नो से भाई, क्या लग रहा है भाई। मैं पता है आज यहाँ से मैं जाने वाला था दूसरा कोई जगह, मैं सोचा आज यहाँ पे जो है एक बार घूम के चला जाऊंगा, इतना स्नो वगैरह इतना कुछ नहीं था, लेकिन ये देखने को भी लगा और आज मैं यहाँ पे रह गया, थैंक गॉड। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत बहुत बहुत, पूरा ट्रिप का मुझे आज सब कुछ यहाँ पे मिल गया, बहुत खुश हूँ मैं। पता नहीं दूसरा लाइफ में कभी इतना खुशी होगा कि नहीं स्नो देख के, लेकिन आज का खुशी मैं मुंह से बयां नहीं कर पा रहा हूँ, इतना ज्यादा खुश हूँ मैं। देखो यार यही चीज के लिए मैं यहाँ पे आया था, और अल्टीमेटली भाई मिल गया, बहुत ज्यादा खुश हूँ भाई, बहुत ज्यादा। चारों तरफ में जहाँ भी देखो स्नो ही स्नो, पूरा व्हाइट व्हाइट, मतलब आंखों में ठीक से दिख भी नहीं रहा है कुछ भी, देखो ऐसा कुछ है, पूरा ही स्नो है, पूरा रात को स्नोफॉल हुआ।
मेरा पेट जो है पूरा स्टिफ हो रहा है, मैं चल ही नहीं पा रहा। स्नो लग के शायद। ये देखो भाई गाड़ी, पूरा स्नो ही स्नो पूरा। दिस इज रियल कालिंचक भाई। ये देखो पानी का ड्रम खुल ही नहीं रहा, ये वाला क्या लग रहा है देखो, पूरा ही व्हाइट। बाइक का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता अभी। दोस्तों ये कुत्ता देखो इतना बर्फ में बैठा हुआ है भाई। चारों तरफ में पूरा ही बर्फ। मैं तो अभी बाइक को लेके कुछ भी सोच भी नहीं रहा हूँ, बस ऊपर जाना है। 9-10 बजे तक मैं भी ये सब पिघल जाएगा, देखते हैं। दोस्तों मेरा जिंदगी में ऐसा मतलब वो नहीं हुआ, आज जैसा हो रहा है फीलिंग भाई साहब, अलग एहसास है। ये देखो वाह वाह। चलिए अभी जाते ऊपर, ऊपर में एक व्यू पॉइंट है। दोस्तों मैं आ गया एकदम टॉप पॉइंट पे, यहाँ से जो है एकदम मस्त विलेज का व्यू दिखता है। देखिए कुछ ऐसा है, आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा कुछ गाड़ी जो अटका हुआ है, और वहाँ पे देखिए कुछ जो घर बार है एकदम टोटली कवर्ड विद स्नो। कल रात को जब आया था ये हालत नहीं था, बट ये हालत मैंने देखा था गूगल मैप्स पे, जो पिक्चर वगैरह होता है उसमें देखा था। बट एक बार देखो यार क्या ब्यूटीफुल लग रहा है, सब टीन शेड के ऊपर ऊपर जो है स्नो अटका हुआ है। मेरा पैर भी अभी जमने को है, नीचे जाऊंगा जाके थोड़ा आग सेकना पड़ेगा। क्या ब्यूटीफुल है भाई यहाँ पे। देखो भाई जिस चीज़ को सोच के घर से निकला था वो सपना वो ड्रीम पूरा हो गया आज। यो मौसम एक दिन दाई हूँ, दाई को नाम प्रकाश तामाङ, प्रकाश तामाङ अलग बंद नहीं जगह को बारे में। यो जुन यो कुरी विलेज हजुर, यो डाँडा जुन देखिरहेको छ गणेश थुम्पी डाँडा भन्छ हजुर, होइन हजुर, यसलाई जुन पहिलेदेखिको शेर्पाहरूको चौरी गोडान घरै थियो चाहिँ, जुन यो डाँडा चाहिँ जुन हाम्रो पानीको ट्याङ्की भएको डाँडा हो डाँडा, त्यसलाई हाम्रो केबल कार भयो, त्यसो यता माथि डाइरेक्ट मन्दिर भयो, मन्दिरबाट यता आएपछि यता जुन यता देखेको यो त यो चाहिँ झ्याङ डाँडा भन्छ होला है, झ्याङडाँडा यो भिलेज भन्दा झन् राम्रो देखिन्छ त्यो भिलेज, ए यो भन्दा झनै राम्रो छ त्यो ठाउँ हजुर, एकदम डाँडामा हजुर माउन्टेन एकदम नजिक देखिन्छ त्यहाँ, त्यो सुतेको ठाउँबाट देखिन्छ। अनि त्यो माथिको जो घर घर नजिक छ त्यो चाहिँ, त्यो चाहिँ कालिङचोक मन्दिर, ए मन्दिर हिजो हामी गएर हजुर, त्यहाँ चाहिँ यसो खाजा भुजा चिया रोटी चना अन्डा पाइन्छ, माथि चाहिँ माथि जुन मन्दिर भयो हजुर हजुर।
किस कितना स्नो है मेरा जो पैर है नीचे उंगली सब फील कर नहीं पा रहा इतना ज़्यादा स्नो है. सो आई एम गोइंग डाउन वहाँ पे थोड़ा आग उग सेकेंगे एंड देन ब्रेकफास्ट वगैरह करना है. उसके बाद बाइक को भी देखना पड़ेगा कैसे क्या करते हैं. भाई भाई अब एक जना माथे चढ़ने मैं खुट्टे ये है ना और क्या बांगो वाला बंदे बांगो बांगो इधर अब तानस तानस अजी ओ बस देखो भाई अभी बाइक ऐसे जा रहा है यहाँ से तो बाइक जाएगा नहीं कोई तरह से. दोस्तों अभी तो यहाँ से गाड़ी में बाइक को लेकर जाना पड़ेगा. बाइक को ऐसे लेके जाने का कोई रास्ता ही नहीं है भाई. आदमी चल ही नहीं पा रहा है. देखो अभी चिप्स का पैकेट सब फूल गया कैसे. हाँ तेरा समा ठीक है. 1000-2000 तो ठीक है. बहुत दुष्ट है इसी तो बैग अली भारी संतो ते कर ले ये रहा सुबह का खाना. देखिए अभी भी डिसाइड नहीं हुआ कैसे जाएंगे चला के कि गाड़ी में देखते. ओए 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 माँ ओए पूरा यहाँ था हम जितना है इतना ये हाँ जितना नहीं होगा आइए ये ये हिल साइड में ऐसे नहीं होगा आधा मिलेगा आधा नहीं आधा के बाद ही नहीं नहीं तो दूसरा गाड़ी में जाइएगा. हाँ नहीं तो दूसरा गाड़ी में जाइए क्यों आप वेट कराया इतना टाइम नहीं नहीं वेट कराया नहीं ये से
हम लोग जो भी है वो अभी ले आया है उसका भी ऐसे करूँगा, वो अभी ले आया ना जो नीचे जाके आदमी लोग ऐसे करूँगा हम लोग। सो दोस्तों यहाँ पे सीन कुछ ऐसे हुआ था कि यहाँ पे मेरे साथ जो है ट्रेवल कर रहा था और चार बांग्लादेशी इसी गाड़ी पे, और उन लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा था कि ये ड्राइवर ने जो है मुझे हेल्प कर दिया। अभी मैं बस वही बोला था कि देखिए मैं तो आप लोगों का पैसे के ऊपर नहीं बैठा हूँ, आई एम पेइंग माई ओन फेयर जो भी कुछ है, लेकिन वो लोग सुनने को राज़ी नहीं। लास्ट में जो है ड्राइवर ने इंटरफेयर किया और ड्राइवर ने बोला ठीक है आप लोगों को अगर कोई दिक्कत है तो गाड़ी से उतर जाओ, दैट्स इट। लेकिन पहाड़ में जो है ऐसा ही होता है, थोड़े एडजस्ट करके चलना पड़ता है। ये तो ठीक है ना भाई, कोई भी ये प्लेन एरिया नहीं है, लेकिन इन बांग्लादेशी को कौन समझाए। जो भी है लास्ट में जो है वो लोग चुप हो गए और हम लोग अपना जर्नी ऐसे शुरू किया। अभी आप लोग जो है देखिए रोड को एंजॉय कीजिए, यहाँ से जो है सीधा जाऊँगा अभी गोरी तक। बीच में देखिए बहुत सारा बाइक स्कूटी जो है अटका हुआ है, मेरा भी बाइक जो है चढ़ नहीं पा रहा था ऊपर, इसी वजह से जो है मैं इस गाड़ी पे जो है बाइक को चढ़ा दिया, क्योंकि मुझे और 5-6 दिन ट्रैवल करना है, यही मेरा सिंगल ट्रैवल नहीं है मुस्तांग की तरह। सो देखिए भाई अभी आगे क्या होता है। Yes, sir. Yes, sir. I'm going to go to the other side. I'm तो दोस्तों गाड़ी ने अभी वहाँ पे उतार दिया, वहाँ तक जो है खतरनाक स्नो था। अभी यहाँ से यहाँ तक बाइक को लाया, सामान वगैरह सब अभी पैक करेंगे, रिलोड करेंगे करके देन वी विल मूव टुवर्ड्स चोरीकोट, कुछ ऐसा है। चलिए भाई इसको लोड करते देन जर्नी को स्टार्ट करते हैं।